जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी मैं हूँ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:35। तो आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12963 मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना शाम 6:25 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह पहुँचाती है 7:15 पे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी हम लोग की फिर से हो रही है अनुभव के साथ, क्योंकि अनुभव का ड्रीम था मेरे साथ ट्रेन जर्नी करने का, तो बैक टू बैक अभी साथ में ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसे आज हम लोग का जो कोच है वो है S3 स्लीपर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दिव्यांग कोच में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम दिव्यांग कोच में ट्रैवल कर रहे थे तो भाई इतना सारा क्राउड था ना कि बहुत प्रॉब्लम हुआ, सही से सो भी ना पाए ना ये सो पाया। तो इस वजह से आज हम लोग स्लीपर में ही ट्रैवल करेंगे। अनुभव कर रहा है कि भैया मथुरा का मुझे पेड़ा ट्राई करना है और कोटा का कचौड़ी ट्राई करना है। हम बोले ठीक है बाबू हो जाएगा, लेकिन कोटा हम लोग पहुँचेंगे 12:30 के लगभग। कोई नहीं तो अभी क्या कर ले, हम लोग ले लेते हैं रेल नीर। ओके भैया रेल नीर दीजिएगा 2 बोतल नॉर्मल की ठंडा नॉर्मल रेल नीर 2 बोतल नॉर्मल। कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा? देखो पहली बात ये कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, लेकिन तुम डिमांड किया है तो पिला देते हैं। कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा? माजा माजा दीजिएगा, माजा माजा एक मैंगो। हाँ वही हुआ। कौन सा? बहुत ठंडा ठंडा है बाबू। नॉर्मल नहीं है जी। लिम्का थम्स अप माजा ही अच्छा लगता है। लिम्का भी ले सकते हैं, नॉर्मल नहीं, अगर नॉर्मल नहीं तो छोड़। नॉर्मल देखो तो भाई ये गर्म है बाबू, यही ले लेते हैं, बाद में तो नॉर्मल हो ही जाएगा क्या। हाँ, ले। यही दे दो, बाद में नॉर्मल हो जाएगा, इसको रख लो। MRP इसका 40 है तो देना भी 40। हाँ 40 ही देंगे। 2 रेल नीर है तो हो गया 40-30-70। लीजिए भैया 70 रुपीस, 2 रेल नीर हो गया, 1 ये हो गया। ये जाएगा कैसे अनुभव? जुगाड़ लगाते हैं। काम करिए आप, सीट पर रख के आइए, फिर ले लीजिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं अंदर। क्या अभी टाइम है ना, अंदर बैठ के क्या करेंगे? कितना टाइम है? टाइम है अभी टाइम है 30 मिनट से ऊपर। तो ऊपर लाए भाई, हम बता रहे हैं आपके से घूमने आए, अंदर बैठने नहीं आए। अनुभव बोल रहा है कि आपके साथ घूमना है, हम अंदर बैठने के लिए नहीं आए हैं। अब चलो देखते हैं इतना देर में क्या करें, लोकोमोटिव कवर हो सकता है? हाँ आराम से हो जाएंगे। टाइम कितना है भाई? 50, आधा घंटा है। आधे घंटे में तो क्या है, 2 है, लोकोमोटिव आराम से हो जाएगा ना। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोकोमोटिव देखने के लिए, अनुभव का डिमांड है। ये है मेवाड़ एक्सप्रेस का जनरल कोच। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन आगे जाके भीड़ हो जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकोमोटिव के पास, तुगलकाबाद का WAP-7 लगा हुआ है। देख लिया। वैसे तुमको कौन सा लोकोमोटिव अच्छा लगता है? F7। हम बोले चलो अंदर, कहता है भैया अभी टाइम है, हम बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। बोले चलो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कंधा पकड़ ले, एक सेकंड एक सेकंड। हो गया? हो गया हो गया। जूता क्या हुआ? खुल गया।
खुल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब चलो। हाँ तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग चिप्स। अनुभव बात कर रहा है मम्मी से, मम्मी से बात कर रहा है। नहीं नहीं करो 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 कर कर लो बात कर लो, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है भैया, आगे रखता हूँ। अनुभव का फेवरेट चिप्स आ गया, एक टोमेटो है और एक आलू वाला है शायद। हाँ सिंपल साल्टेड, चिली भी खाता है चिली? नहीं, वो सही है ना, चिली खाता हूँ लेकिन ये प्लेन ही ठीक है। हाँ चलो ठीक। और कुछ लेना है, केक वगैरह? नहीं केक नहीं। ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और जिस जड़ी भैया होते हैं वो जड़ी और मजेदार हो जाता है। चले मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी बुला रहा हूँ। बिल्कुल भाई, हमको तो मजा आ ही रहा है। आज अनुभव का दूसरा विश लिस्ट पूरा हो गया है, मतलब मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे इसका विश लिस्ट कम नहीं है भाई साहब, बहुत लंबा विश लिस्ट है। दो ट्रेन और करना है कवर, उसके बाद अनुभव कह रहा है कि अपने बर्थडे के दिन पूरी चलना है, वो भी कौन ट्रेन से? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का डिमांड आया है। वैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन हमने कवर नहीं किया है, अनुभव का रिक्वेस्ट है। कब बर्थडे कब है? 12 अगस्त को, तो याद 6-7 तारीख को मेरे बर्थडे वाले दिन चलेंगे 12 अगस्त। मतलब 12 अगस्त को बर्थडे है तो 6-7 तारीख में चलेंगे। चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे उस वक्त शायद हम फ्री रहे, कोशिश करेंगे साथ में ट्रैवल करने का। होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता। हाँ वैसे और कौन कौन सा ट्रेन कवर करना है ये बताओ। अरे पुरुषोत्तम है, उसके विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस साथ में विवेक एक्सप्रेस कवर करना है, ये भी इसका विश लिस्ट है, इसको भी पूरा किया जाएगा। कब होगा पूरा वो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा करेंगे और साथ में ही करेंगे, साथ में ही करेंगे। वैसे अनुभव बताने वाला है ये ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना हॉल्ट है, बताओ। ये ट्रेन 743 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 12 घंटे 50 मिनट में, और 18 हॉल्ट है इस ट्रेन। तो कल हम लोग पहुंच जाएंगे उदयपुर सिटी सुबह 7:15 और ट्रेन चलती है 6:25। और इस ट्रेन में जो है पेंट्री कोच नहीं है, मोबाइल पेंट्री है, मतलब साइड पेंट्री है, उससे आप कुछ परचेज कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है तो कोशिश करें घर से ही खाना लेके आए, क्योंकि घर का खाना हमेशा बेस्ट होता है। बेस्ट होता है घर का, अपना खाने का बात ही अलग होता है। बाहर का खाना खाने से आदमी बीमार पड़ सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। और खाने पीने से याद आया कि ओवर प्राइस खाना परचेज ना करें। कुछ ब्लॉगर लोग होते हैं कि खाना मिला होता है 80 में तो 120 में 130 में ऐसे करके रियलिटी मतलब नहीं दिखाते, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो रियलिटी चीज़ है वो आपको दिखाना चाहिए। रियलिटी अगर पता चलेगा तभी तो ऑडियंस को सच्चाई का पता चलेगा कि नहीं। वैसे भी ऑडियंस समझदार है, जो रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करती है उसे पता है कि क्या ट्रेन में चल रहा है नहीं चल रहा, क्या मतलब खाना ओवर प्राइस दिया जा रहा है कि सही रेट पे दिया जा रहा है, तो कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। अभी वैसे हम लोग कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, ये स्टेशन फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद रेलवे स्टेशन अभी हम लोग क्रॉस किए, और ट्रेन बहुत ही अच्छे रफ्तार में चल रही है। हाँ सही है, लगता है 100 स्पीड मेंटेन किया होगा। हाँ अभी 100 तो नहीं होगा, अभी 70-80 होगा, अभी 70-80 होगा। हाँ आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, क्या है ना कि हम लोग इससे पहले जो जर्नी किए थे वो किए थे दिव्यांग कोच में, दूसरी जर्नी हम लोग कर रहे हैं स्लीपर कोच में, ठीक है। अब क्या है, इस कोच में जर्नी करने के पीछे रीज़न ये है कि भाई अब हर ट्रेन में दिव्यांग कोच होता नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिव्यांग कोच में मतलब बहुत दिक्कत होता है, जनरल लोग जो है ना वो इतने आ जाते हैं कि दिव्यांग लोग को जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है वाशरूम जाने में, कुछ भी चीज़ करने में। तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा रेलवे को कि आप दिव्यांग कोच हो, महिला कोच हो,
में जाके आप थोड़ा देखिए, आरपीएफ को भेजिए, ट्रेन जब चलती है उस वक्त या हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है वहाँ पे एक मेरे समझ से एक आरपीएफ की तैनाती वहाँ होनी चाहिए, ताकि वो देखे कि कौन बोर्ड कर रहे हैं महिला बोगी में, कौन बोर्ड कर रहे हैं दिव्यांग कोच में, ताकि इससे क्या हुआ कि दिव्यांग लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब जैसे आई कार्ड वगैरह देख ले, सर्टिफिकेट वगैरह देख ले कि भाई तुम दिव्यांग हो या ना हो, उसके बाद ही बोर्ड करने दे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का, और वो मतलब जनरल लोग जो है घुस जाते हैं जबरदस्ती, गेट लगाइएगा फिर भी गेट के बाहर जनरल लोग घुस तो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बोलते हैं हम यहीं बैठेंगे। हाँ, घुस तो जाते ही हैं, उसके बाद कहते हैं हम सीट पे भी बैठेंगे। बताइए, दिव्यांग लोग के लिए सीट है, उनको हटा के बोलते हैं हम बैठेंगे, और बाथरूम भी गंदा कर रहे थे, दिव्यांग को बाथरूम जाने में भी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग इसी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे उदयपुर। उदयपुर में रहेंगे, घूमेंगे एक दिन, अनुभव को भी घुमाएंगे, उसके बाद फिर उदयपुर से अनुभव कहाँ जाएगा? ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार जाएगा, गंगा स्नान करवाएंगे, गंगा स्नान होगा। और फिर तो चलिए, अभी शाम हो गया, मतलब 7 बज रहा है, तो हम लोग जो है ना घर से लाए हैं अंकुरा हुआ चना और देसी मूँग खाते हैं भाई। नहीं, सब चीज है, कैसा लग रहा है? सही है, नमक इसमें डला हुआ है। साइड पेंट्री है और साइड पेंट्री में बेचा जा रहा गंगोत्री प्रीमियम वाटर, रेलवे अप्रूव नहीं है ये। और पूछने पर भैया जवाब दे रहे हैं कि दिल्ली से चढ़ा ही नहीं, कम चढ़ा था। कितना चढ़ाए थे बताइए? अभी कितना, मथुरा भी नहीं पहुंचे हैं आप, लोकल पानी बेच रहे हैं। तो भाई लगभग 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, और यहां पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का मथुरा में पहुंचने का टाइम था शाम के 8:20, और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 8:30, मतलब 10 मिनट डिले हम लोग पहुंचे हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। अगर आप मथुरा आते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन पे मथुरा का फेमस पेड़ा ट्राई कर सकते हैं, हमने कई बार ट्राई किया है, और साथ ही यहाँ पे कुल्लड़ वाला चाय भी मिल जाएगा, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो चलिए, यहाँ से अभी हम लोग लेने वाले हैं मथुरा का फेमस पेड़ा, अनुभव के लिए उसको भी ट्राई करवाएंगे। तो मथुरा रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने लिया ये मथुरा का फेमस पेड़ा, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है मथुरा का प्रसिद्ध पेड़ा, लोटस पेड़ा है ये, और ये जो पेड़ा है ना ये अप्रूव्ड है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और ये मुझे पड़ा 195 का MRP यहाँ लिखा हुआ है, तो 500 ग्राम का मतलब हाफ KG पड़ेगा, 195 का आप ले सकते हो। तो चलिए, वैसे हम ट्राई कर चुके हैं इससे पहले, आज अनुभव को ट्राई करवाने वाले हैं, देखते हैं अनुभव को कैसा लगता है यहाँ का फेमस पेड़ा। वैसे अनुभव को मीठा खाना पसंद नहीं है, फिर भी आज थोड़ा सा खा लेगा क्या? हाँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेना कैसा। वैसे पैकिंग जो है ना इसका काफ़ी लाजवाब है, आप देखिए एक लाइन से पेड़ा को सजा के रखा गया है, और पैकिंग काफ़ी खूबसूरत है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। एक नंबर, मतलब A1 है, A1 बढ़िया लग रहा है, पक्का। चलो खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही लिए हैं, हम भी ट्राई करते हैं देखने कैसा लग रहा है। मजा आ गया, इतना सारा पेड़ा तो भाई अकेले हम दोनों नहीं खा सकते हैं,
तो को पैसेंजर भी हैं, उनको भी खिलाते हैं। खाइए दादा। नहीं वो कितना खा रखे हैं? मेरे मर्दे गुटका खाए खाए वो खाइए देखिए गुटका लीजिए। अरे लीजिए खाइए लीजिए। सबसे पहले मोनू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया पेड़ा खिलाने के लिए। पेड़ा तो हम बनाए नहीं थे, जिसने बनाया है उनको भी धन्यवाद। काफी मीठा था, मतलब बहुत। वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ मीठा खाता नहीं, वो तो हम बताए हैं। बहुत बहुत कम खाता, लेकिन मोनू भैया इतने प्यार से पहले पेड़ा खरीदे और इतने प्यार से मतलब मेरे साथ बात कर रहे हैं और इनके साथ यात्रा करने में मजा आ रहा है। आज का दिन मैं जिंदगी भर नहीं बोलूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया को ऐसे ही प्यार देते रहिए और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मिलेत पूरा करना है। देखो क्या है कि सब्सक्राइबर के लिए तो भाई हम काम करते ही नहीं है, हम बस काम करते हैं कि भाई लोगों को सही चीज़ मिले, सही जानकारी मिले। कभी हमने बोला भी नहीं कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ये करो। लोग को लगता है अच्छा कंटेंट, वो खुद करते हैं, ये चीज़ है। वैसे इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री में इस ट्रेन में आपको आज रात डिनर में सिर्फ वेज पुलाव मिलेगा, वो पड़ेगा आपको 80 का मेरे हिसाब से, लेकिन भैया इसमें सेल कर रहे थे 100 का। ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेन से जर्नी करते हैं तो आपको वेज पुलाव दिया जाएगा, उसमें बोलेगा भैया इसका बिल लेके आइए। जब बिल का आप डिमांड कीजिएगा तो वो खुद बोलेंगे कि भैया आप 80 में ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर बिल का डिमांड कीजिएगा ना तभी आपको सही रेट में खाना देखने को मिलेगा, मिलेगा खाने को, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसे वेज पुलाव जो है वो बिल्कुल गर्मा गर्म है, तो चलिए मैं खाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ श्रृंगा साइड पेंट्री का वेज पुलाव कैसा है। और बिल के लिए हमने भैया को बोला है, भैया बोले ठीक है बिल लेके आ रहे हैं। वैसे पहले तो बोले कि मैनेजर है ही नहीं, तो हम बोले भाई मैनेजर है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप मुझे खाना दिए उसका बिल लेकर आप जरूर आइएगा। तो देखते हैं बिल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, खाना ठंडा ना हो जाए इस वजह से हम लोग खाना को ट्राई करते हैं। वैसे देखिए वेज पुलाव देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, इसमें सोयाबीन है और हरा मटर है, बीन्स है और अचार दिया गया है, ठीक है? ये एक स्पून हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि हम और ये दोनों साथ में खाएंगे। हम पहले ट्राई करके आपको बता देते हैं कैसा है। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, सही है। इस ट्रेन का अपना साइड पेंट्री का वेज पुलाव आप खा सकते हैं, बढ़िया है। सोयाबीन वगैरह डाला हुआ एक नंबर लग रहा है। बात वही आती है ना ओवर प्राइस की, हर ट्रेन में ओवर प्राइस। भैया भी कितना जागरूक करेंगे। सही बात है, अपने तरफ से जागरूक कर ही रहे हैं। तो ये मेरे इस ट्रेन के मेवाड़ एक्सप्रेस के साइड पेंट्री के मैनेजर हैं। पहले तो स्टाफ जो है ना वो बताए कि मैनेजर है ही नहीं ट्रेन में, जो कि गलत है, झूठ बोला गया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टाफ ने बोला कि मैनेजर नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती कि रेल लाइन के जगह लोकल पानी बेचा जा रहा था, वो भी गंगोत्री, ठीक है? मना किए हैं तो बोल रहा था कि दिल्ली से ही चढ़ाया गया है, ठीक है? दिल्ली से मिला ही नहीं पानी। हम बोले अच्छा ये बात है, जब कंप्लेन गया है तब जाके रेल लाइन बेचा जा रहा है, ठीक है? तब मिला है रेल लाइन। और अभी भी क्या हो रहा है कि कोच में बाकी के पैसेंजर को 20 में ये पानी दिया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये 20 का पानी होता है क्या, 15 का होता है? ये चीज़ अपने स्टाफ को समझाइए वापस, और जो भी है जिनको 20 में दिए उनको वापस करवाइए, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से अगर आप ऐसा कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। ईमानदारी से काम कीजिए तो वो अच्छा होता है, कोई भी काम ईमानदारी पूर्वक कर दिएगा तो वो सही रहता है। ये हो गया वेज पुलाव जो है 80 की होती है, आपके स्टाफ 100 में बेच रहे थे, उनका बिल का डिमांड किए तो बोलते हैं बिल नहीं है। बिल आपके पास नहीं है? बिल है ना आपके पास, कैश मेमो वाला है, मशीन है, क्या है आपके पास? कैश मेमो वाला है, तो उसी पे आप 80 का लिख के दीजिएगा ना वेज मिल का, वो लिख के आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमने खाया वेज मिल, ठीक है? और वही का अभी तो बिल लेके आया नहीं, तब कंप्लेन करना पड़ा मुझे, ठीक है? ये देख लीजिए थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि स्लीपर में जनरल में आम लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है? अब बगल में दादाजी बैठे हुए हैं, इनको गंगोत्री पानी पिलाया जा रहा था 20 का पानी, इनको पता ही नहीं। 100 का वेज पुलाव खिलाया जा रहा था, इनको पता ही नहीं। गांव के आदमी, इनको क्या पता?
तो आप लोग जो है स्टाफ भी जो गरीब लोगों को ही लूटता है, क्यों लूटता है बताइए? अरे जिनके पास पैसा है उससे 5-10-20 ले लीजिए एक्स्ट्रा, कोई नहीं, लेकिन इन लोगों को कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, मेरे पास है हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन क्या होगा? गलत है ना ये चीज़? हाँ सर, आगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाना रेट टू रेट भिजवाइए, 80 की होती है तो 80 की भिजवाइए, ठीक है, वो सही रहेगा। लीजिए पानी तो आप ही लाया है ना, पानी है मेरे पास, हमने 3-4 बोतल हमने लिया है पानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आगे से ऐसा ना हो। ठीक है, क्या बोले, मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि जो मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो जनरल में जो स्लीपर में जर्नी करते हैं, ठीक है, पैसा कम है, आप हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे सकते हैं, तो आप उनसे पैसे बच लीजिए और रेट टू रेट सबको खाना दीजिए, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो। वही बोल रहा है, गरीब मजदूर के साथ ही क्यों होता है ये चीज? स्लीपर में कौन ट्रैवल करता है पता है ना, मिडिल क्लास के लोग, जनरल में कौन ट्रैवल करता है, उसी के साथ स्कैम सबसे ज्यादा होता है, तो जो जितना दबा हुआ उसको और दबा रहा है लोग, ये गलत है। क्या हुआ, नहीं आया जो? नहीं आया, हम गिनवा देते हैं, बोतल गिन लीजिए ना, कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। 5 बोतल था आपका, 5 बोतल, 25 रुपया इसका रिटर्न होगा। ठीक है, आप आगे आइए। पानी वगैरह इधर को लिए थे क्या? पानी लिए थे? पानी कितना हम दे रहा था? पानी 20 का बेच रहा था ना, सुन लीजिए, हो गया रिटर्न। चलिए आगे से आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है, लोकल पानी नहीं लीजिए, रेलनीर लीजिए, वो भी 15 का लीजिए, ये लोग बोलेंगे नहीं है। अब देखिए मैनेजर आया तो देखिए कैसे शांत होगा ये। तो भाई ये रहा इस ट्रेन का साइड पेंट्री का बिल, हमने लिया था वेज बिरयानी मतलब वेज पुलाव, ये मुझे पड़ा 80 का। तो भाई लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6th हॉल्ट श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जैन मंदिर है श्री महावीर जी टेम्पल, जो कि काफ़ी फेमस है राजस्थान का, और ये टेम्पल आपको रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। आपने अभी देखा क्या हुआ, क्या है कि जब से ट्रेन चली है ना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तब से लगातार लोकल पानी बेचा जा रहा था, कंप्लेन करने के बाद भी ज़बरदस्ती बोला जा रहा था नहीं 20 में ही देंगे और आपको यही पीना पड़ेगा। तो हमने कंप्लेन किया तो मैनेजर साहब आए थे साइड पेंट्री का, उनसे बात हुई, क्या हुई आपने देखा ही, और साथ ही मेरे कोच के जितने भी पैसेंजर को लोकल पानी दिया गया था सबका पैसा हमने रिटर्न करवाया, ओवर प्राइस दिया गया था उनका भी पैसा हमने रिटर्न करवाया है। तो बात यह है कि आप भी ट्रेन जर्नी करें तो ध्यान रखें, जहाँ भी आपको इस तरह का देखता है कि मतलब लोकल पानी बेचा जा रहा है, ओवर प्राइस खाना दिया जा रहा है, वहाँ पे आवाज़ उठाइए, नहीं बोलिएगा तो स्कैम का शिकार आप होते ही रहिएगा। महावीर जी टेम्पल के नाम पे ही इस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है, काफ़ी बड़ा जैन मंदिर है ये। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 10:52 और अनुभव सोने की तैयारी कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है क्या? नींद आ रही है मतलब बस सोने वाले। हाँ तो नींद आ रहा है अनुभव को, अनुभव कुछ देर में सोने वाला है, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लिया है, अंदर वाला गिरा है। तो मिलते हैं सुबह में, गुड नाइट, तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 630 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12th हॉल्ट चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 4:40, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 1 घंटा बिफोर, मतलब 3:40 पर ही हम लोग पहुँच चुके थे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर। मैं तो भाई सो रहा था, अचानक से आवाज़ आया चाय 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 चाय, 15-20 मिनट तक चाय चाय बोला जा रहा था, मुझे लगा भाई इतना देर से कौन चाय बेच रहा है,
तो बाहर निकले तो पता चला भाई हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, वो भी एक घंटा बिफोर। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, ये चलती है 3 जनरल कोच 6 स्लीपर कोच के साथ, साथ ही 6 थर्ड AC का कोच इसमें लगा हुआ है, 2 सेकेंड AC का और 1 फर्स्ट AC का कोच लगा हुआ है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उदयपुर सिटी तक, मतलब इन टू इन ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 430 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा इन टू इन, तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1130 रुपया। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर है 1600। अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कीजिएगा जिसका सिर्फ एक ही कोच है, उसका फेयर लगेगा आपको लगभग 2700 रुपया। वैसे सुबह सुबह सिर्फ एक स्टॉल है खुला हुआ यहाँ पे, जहाँ पर आपको चाय वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ से चाय। वैसे आपको यहाँ पे पोहा, पकौड़ा, ये क्या कहते हैं इसको, पैटीज वगैरह, ये आपको मिल जाएगा। चाय दीजिएगा चाचा दो। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया है ये क्रीम रोल, बचपन में हम ये बहुत खाते थे, और साथ ही यहाँ से गर्मा गर्म चाय। वैसे इससे पहले भी हम चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं, सुबह सुबह पहुंचे थे, तो उस वक्त भी हमने चाय ट्राई किया था और आज भी चाय ही ट्राई किए हैं। ठीक है, एवरेज कह सकते हैं, चाय आप ट्राई कर सकते हो। और ये ट्रेन जो है ना, मैक्सिमम टाइम चित्तौड़गढ़, वैसे तो ये अपनी डेली ट्रेन है, बिफोर पहुँचा देती है चित्तौड़गढ़। तो कोशिश कीजिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर ही गाड़ी लगभग आधा घंटा कभी एक घंटा रुकती है, आराम से फ्रेश वगैरह हो जाइए, ब्रश वगैरह कर लीजिए। हम फ्रेश भी हो चुके हैं, ब्रश भी कर चुके हैं, उसके बाद आए हैं बाहर, वीडियो वगैरह शूट किए हैं, उसके बाद गर्मा गर्म चाय जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ का। और चित्तौड़गढ़ में जो है ना, कोच लगभग अपनी खाली हो चुकी है और अनुभव भी उठ चुका है। गुड मॉर्निंग, ये देखो क्या लाए तुम्हारे लिए, क्रीम रोल। चाय तो नहीं लाए, चाय पीते हो? रात को 2 बजे तो नहीं पीता। दो नहीं तो अभी तो 4:30 हो गया। अभी नहीं पीता। अभी नहीं, 6 बजे के बाद। चलो ठीक है, हम तो पी लिए चाय चित्तौड़गढ़ का, सही था, ठीक था। चाय पानी होता है। वो तो स्टेशन पे भाई होता ही है, घर वाला चाय कहाँ से मिलेगा स्टेशन और ट्रेन में। चलो क्रीम रोल खाओ, ब्रश ब्रश कर लिए ना। ओके। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट था और लगभग 1 घंटा 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। इस पे रखो, चले चले चले। तो पहुंच चुके हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो हम लोग कब पहुंचाई है, 7:05 10 मिनट बिफोर पहुंचे हैं। इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के नहीं, सुबह के 7:15, हम लोग पहुंचे 7:05 पे। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल है, साफ़ सफाई एवरेज कह सकते हैं। वाशरूम मैंने आपको नहीं दिखाया लेकिन वाशरूम हमने देखा है, स्लीपर क्लास का वाशरूम जो है ना एवरेज है। और साइड पेंट्री है तो साइड पेंट्री से खाना वगैरह आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा, लेकिन वही है थोड़ा और प्राइस दिया जाता है, बोलिएगा तो सही रेट पर आपको खाना वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन की, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं।
प्यार करते हैं आपसे, और बैक टू बैक अभी अनुभव के साथ ट्रेन जर्नी जारी ही रहेगा। इसका जो दूसरा विश लिस्ट पूरा हो गया, अब तीसरा विश लिस्ट है, तीसरी ट्रेन है, उसे भी कवर करना है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने रूम पे, मतलब होटल वगैरह में, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक के लिए बाय।